हेलो किड्स, वेलकम टू उड़ान एकेडमी। आज हम ईवीएस पढ़ने वाले हैं। ईवीएस में हमारा फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। हमने लास्ट चैप्टर में घर के बारे में पढ़ा था ना कि किस टाइप के घर होते हैं, घर पे क्या क्या होती हैं, वॉल्स, विंडोज़ होती हैं, डोर्स होते हैं। तो आज हम घर के अंदर का पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के घर में रूम्स होते हैं, क्या क्या होता है। जैसे किचन होता है, बाथरूम होता है, सबके घर पे होता है ना, किचन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो एक गर्ल है जिसका नेम है अखिला। अखिला स्कूल से आती है और बैज, अपना बैज नहीं ढूंढ पाती है, और वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी माँ, मेरा बैज कहाँ है। तो उसकी दादी पूछती है, बेटा तुम स्कूल में तो नहीं भूल आई? तो अखिला कहती है, नहीं, वो तो मेरे हाथ में था जब मैं स्कूल से घर आई थी। तो उसकी दादी बोलती है, फिर तो कहीं घर पे ही होगा, जाओ ढूंढो। सबसे पहले आती है अखिला, बोलती है, मैंने सबसे पहले स्कूल से आके शूज़ निकाले थे। शूज़ हम लोग कहाँ निकालते हैं? शू रैक में। तो वो शू रैक के पास में आके अपने बैच को ढूंढती है। ओके, फिर उसको शू रैक के पास नहीं मिलता है अपना बैज, तो वो जाती है स्टडी में। स्टडी मतलब क्या होता है? एक प्लेस होती है जहाँ पे टेबल्स और बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, जहाँ पे पढ़ाई करी जाती है ना। तो अखिला जाती है स्टडी में, पर उसको वहाँ पे भी बैज नहीं मिलता है। फिर वो बाथरूम में जाके ढूंढती है। बाथरूम तो सबको पता है क्या होता है ना। अखिला जो है बाथरूम में जाती है, बकेट मतलब बाल्टी और बेसिन, वॉश बेसिन के वहाँ पे ढूंढती है, पर उसे वहाँ भी बैच नहीं मिलता है। फिर कहाँ जाती है वो? किचन में भी देखती है, उसे बैच नहीं मिलता है। किचन मतलब भी आप सब लोगों को पता है ना क्या होता है, किचन में हम लोग खाना पकाते हैं। उसके बाद वो बेडरूम में जाती है। बेडरूम पता है आप लोगों को, जो सोने की जगह होती है, रूम होता है जहाँ पर हम सोते हैं। उसके बाद वो सोफ़ा पे ढूंढती है लिविंग रूम में। लिविंग रूम मतलब हॉल, जहाँ पे कभी भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम जिन्हें बिठाते हैं ना, उसे कहा जाता है लिविंग रूम। ओके, लिविंग रूम में क्या क्या होता है? सोफ़ा होती है, कुशन्स होते हैं, है ना। वो वहाँ पे ढूंढती है और उसे फाइनली कुशन के पीछे, सोफ़ा पे तकिए जो होते हैं ना, कुशन्स, उनके पीछे बैच मिल जाता है। तो हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? घर के अंदर कौन कौन से रूम्स होते हैं, क्या क्या होता है घर में। लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम मतलब हॉल जहाँ पे हम गेस्ट को बिठाते हैं, है ना। उसके बाद होता है किचन, किचन तो आप सबको पता है। बाथरूम होता है, बेडरूम होता है, बेडरूम मतलब सोने की जगह जहाँ पे हम सोते हैं।